Hello, my lovely students. This is Mansi. Now, today we are going to begin with part number 6 of this chapter. So, let's quickly get to the video. So, now coming to page number 50. Also, this is the last page of our chapter. So, now yahan pe ek poem hai. Did you know this? From South America, long ago came a tomato, a potato and a green chili. So, green chili, tomato, potato, kahan se aaye hain? South Africa se. Do you know this? A cabbage came from यूरोप. कैबेज कहाँ से आई है? यूरोप से. एंड ऑल्सो अ पी. पी भी यूरोप से आया है. पी मतलब मटर जो होता है. फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी. अब भिंडी हम कितना ज्यादा हमारे घरों में खाते हैं. सो भिंडी और कॉफी बीन भी कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से. दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी. डिड यू नो दिस? अब ये कैसे अक्रॉस द लैंड, अक्रॉस द सीज यहाँ पे आए हैं. A mango sang, come in, an orange smile inside its skin. Welcome to India. A banana said, the methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. Did you know this? तो ये एक छोटी सी वो बना रखी है, poem बना रखी है, जिसमें बताया गया है इंडिया में क्या क्या चीजें थी और कौन कौन सी चीजें बाहर से आई हैं. So, what all was grown in India long ago were mangoes and bananas grown here. What came from the other countries? Imagine food without potatoes or tomatoes. अब आलू तो ऐसी चीज है जो उसके आलू के पराठे हैं, इतनी सारी सब्जियों में आलू डलता है, फ्रेंच फ्राइज खाना है, टिक्की खाना है, कोई भी ऐसी चीज है तो उसमें कितने ज्यादा हम आलू कितना ज्यादा यूज करते हैं. सिमिलरली सब्जियों में टोमेटो डलता है, टोमेटो करी बनती है, चटनी वगैरह बनाते हैं उसे, तो ये दोनों चीजें कितनी ज्यादा हम खाने में यूज करते हैं. इससे पहले था यहाँ पे आंसर है उसका, लॉन्ग अगो इन इंडिया स्पिनच, रेडिश, मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा वर ग्रोन. ऑल्सो अपने पोएम में देखा ना, अ मैंगो सैंग, कम इन एंड ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन, वेलकम टू इंडिया. मतलब ये इंडिया की चीजें हैं जो बाकी चीजों को वेलकम कर रही हैं. सो ये सब चीजें इंडिया में थी. देन येस, मैंगोज एंड बनानाज आर ग्रोन हियर. ये इंडिया में ग्रो हुए थे. From other countries, we got items like tomato, potato, coffee bean, cabbage, etc. ये सारा भी हमने poem में read किया है. It would be difficult to cook food without potatoes and tomatoes and it would be tasteless. ठीक है, तो ये इसका answer हो गया. Then है what we have learned. So, यहाँ पे सबसे पहला है, Reena has drawn this picture of the seeds sprouted by her. So, यहाँ पे उसने एक picture draw करी है, यहाँ पे देख सकते हो seed sprout कर रहा है. What do you think the seed need for sprouting? तो आप क्या लगता है sprouting के लिए seed को क्या क्या चाहिए होता है? Write in your own words how would Reena's seed look if they did not get the things needed? Show by drawing a picture. So यहाँ पे question है, इसका answer देखो. Every seed needs water and air for sprouting. ये हम पढ़ के आ रहे हैं ना, starting में हमने sprouts के बारे में पढ़ा था. तो water और air required होती है. If there is no water for the seeds remain the same. अगर कोई पानी नहीं होगा तो वो सीड वैसे के वैसे रहेंगे, sprout नहीं करेंगे. And if there is water but no air, then the seed does not sprout and would not grow, but it would just swell up. So क्या होगा, जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था ना balls वाला, अगर पानी नहीं मिलेगा तो सीड्स को, पहली बात तो अगर पानी नहीं मिल रहा तो वो कुछ भी नहीं होगा, उसको एयर में पड़े रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे हमारे घर में चना वगैरह, ऐसे थोड़ी कि वो बॉक्स में पड़े पड़े अपने आप स्प्राउट हो जाते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा. सिर्फ पानी मिलेगा, एयर नहीं मिलेगी, तो पानी में क्या होंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, स्प्राउट नहीं होंगे. सो देयरफॉर एयर एंड वाटर दोनों चीजें चाहिए अगर हमें स्प्राउट कराना है तो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस राइट इन योर ओन वर्ड्स. अब सीड्स कैसे स्प्रेड होते हैं फार ऑफ प्लेसेस में? सो देयर आर मीन्स फॉर द सीड्स टू ट्रेवल. मीन्स मतलब ऐसे तरीके होते हैं, कौन से तरीके? The seeds would go to farther places while carried by the birds, water, animal, air, etc. Then birds after eating, they throw lighter seeds get. अब क्या करते हैं जो birds होते हैं, थोड़ा सा खा के मान लो उन्होंने seed फेंक दिया, या जो lighter seeds होते हैं they get carried away by air. जब जोर से wind blow करेगी तो जो हल्के वाले seeds है तो वो ऐसे उड़ के travel करते हैं and hence spread out. So ये different ways है जिससे वो spread out करते हैं. ठीक है, so this was page number
50. So guys, with this we have completed our chapter. I hope आपको chapter अच्छे से समझ में आ गया होगा. कोई भी आपकी query है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप नीचे comments में mention कर सकते हो. Now I'll see you all again in the next video with the new chapter. Till then, take care and bye bye.